हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, 2 मार्च की विजन की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो गाइस, अगर मैं पॉलिटी का कोर्स ज्वाइन करने वाली हूँ, आई मीन लॉन्च करने वाली हूँ, अगर आपको पॉलिटी का कोर्स ज्वाइन करना है तो मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं मित्तल वैशाली 94 पे, मैं आपको इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं मित्तल वैशाली 0209 पे जाके आपके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की फर्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या बोला है, चाइनीज साइबर अटैक फॉइल्ड, जो कि न्यूज हमारी कवर होगी इकोनॉमी सेक्शन। देखो अभी क्या है, इससे पहले भी न्यूयॉर्क जो टाइम की रिपोर्ट है, उन्होंने क्लेम किया था कि जो अक्टूबर 2020 में जो मुंबई पावर आउटेज में जो अटैक हुए थे वो चाइना के द्वारा अटैक किया था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक बाय चाइना, मतलब कि चाइना के द्वारा एक अटैक किया गया था, चाइना का साइबर अटैक था, उसको उसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया था, जो एक मालवेयर के थ्रू इसको अटैक किया गया था जिसका नाम था शैडो पैड। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं शैडो पैड है क्या, तो यू शुड नो कि शैडो पैड एक मालवेयर था। इसके अलावा जो पावर एंड एनर्जी सेक्टर है, जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, गवर्नमेंट फैसिलिटीज डैम, ये हमारा किसका है, ये हमारी कंट्री का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब कि ये इतना क्रिटिकल है कि अगर यहाँ पे हमारे इस डाटा को अगर साइबर अटैक आता है या फिर यहाँ पे अगर कोई भी हमारी मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन अगर चोरी हो सकती है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है। ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो फिजिकल या साइबर बेस्ड सिस्टम जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल होता है और हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल होता है, और अगर वो डिस्ट्रक्शन हो जाए या अगर उस डाटा का हार्म हो जाए तो उसका हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, हमारी इकोनॉमी पे बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है और हमारे सोशल वेलफेयर ऑफ स्टेट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या मैकेनिज्म्स हैं जिससे हम अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन जैसे साइबर अटैक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को सेटअप किया गया, जो कि नेशनल नोडल एजेंसी है जो क्या करती है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, ये नेशनल नोडल एजेंसी है जो क्या करती है, जो भी कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स होती है उनको क्या करती है, हैंडल करती है। इसके अलावा नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो क्या करता है, कुछ अवेयरनेस क्या करता है, जनरेट करता है कि क्या साइबर, क्या आपको जरूरी है कि ताकि आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो ताकि आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी जो भी थ्रेट्स होते हैं उनसे अवेयर रह सकते हो और आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस तरह आप अपने डाटा को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो या उसको चोरी होने से प्रिवेंट कर सकते हो या फिर उसको प्रोएक्टिव आप इजिली कैसे शेयर कर सकते हो सेफली वे में। इसके अलावा एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर भी एक न्यू डिवीजन को सेटअप किया गया ताकि हम साइबर और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें जो मेन न्यूज क्या थी वो शैडो पैड, डायरेक्ट हो सकता है शैडो पैड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए मालूम है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या क्या थ्रेट्स है। एक तो नेचुरल डिजास्टर है उससे तो है ही, इसके अलावा ह्यूमन की वजह से क्या क्या थ्रेट है, टेररिज्म की वजह से ये तो साइबर अटैक्स होते हैं, इकोनॉमिक कुछ इकोनॉमिक के लिए आप जानबूझ के कुछ अटैक कर रहे हो वो हो सकते हैं, इसके अलावा जो टेक्निकल एक्सीडेंटल हो सकते हैं, जैसे अगर आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर हैजार्डस मटेरियल फेलियर्स हो जाए, एक्सीडेंट्स हो जाए या पावर किट फेलियर्स हो जाए तो इन तरह से भी क्या हो सकता है, हमारा क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थ्रेट में है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, नीति आयोग प्रपोज रिवीजन इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, कई चीजों में न्यूज है, सोशल इश्यूज में भी कवर हो सकते हैं, इकोनॉमी में भी कवर हो सकती है। ठीक है, अभी क्या क्या नीति आयोग ने कुछ जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको कुछ अमेंड किया है, उसको रिवाइज किया है। ठीक है, अब हम पढ़ सकते हैं कि क्या है। देखो आपको पता होना चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर क्या है, जो सेंटर है वो क्या करता है, फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है बहुत ही कम प्राइस में, जैसे राइस को 3 रुपए पर केजी में प्रोवाइड करता है, वीट को 2 रुपीज पर केजी में और जो मोटे अनाज होते हैं उनको 1 रुपीज पर केजी में प्रोवाइड करता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो था ये पर्संस को कुछ लीगल राइट प्रोवाइड करता है, उन इलिजिबल ऑफकोर्स जो घर इलिजिबल है ताकि वो अपना फूड ग्रेन्स ले सके बहुत ही कम प्राइस में, जिसे हम सेंट्रल इशू प्राइस भी बोल सकते हैं, अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, प्रेजेंट क्या क्या है मैंने आपको बता दिया, जो सेंट्रल इशू प्राइस कितना है ये मैंने आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर जो कवरेज है वो नियरली जो रूरल हाउस होल्ड में से 70% रूरल हाउस होल्ड को कवर करता है और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है, और अगर हम देखा जाए इस एक्ट के थ्रू नियर अबाउट इंडिया की 81.35 करोड़ जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, मतलब कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ है, तो उसमें से आप देख रहे हो नियर अबाउट 82 करोड़ लोग क्या है इस एक्ट का फायदा उठा रहे हैं। अगर हम 2011 के सेंसस पे देखें, और कुछ बेनिफिशरीज हैं जो 2013 में मतलब फ्रोजन मतलब कि जो 2013 में इस एक्ट का फायदा उन्होंने उठाना बंद कर दिया। ठीक है, अब कौन कौन से हाउस होल्ड होते हैं, कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं जो इसके अंडर क्या करते हैं इसका फायदा उठा सकते हैं, सबसे पहले क्या है,
जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, जो भी जिनको हाउस होल्ड जो एलिजिबल हैं, उनको क्या मिलता है, हर महीने हर पर्सन को 5 kg फूड ग्रेन्स मिलता है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना के अंदर क्या है, हर एक पर्सन को 35 kg पर मंथ के प्राइस सेम प्राइस पर राशन मिलता है। ठीक है, मतलब कि देखो दो तरह के हाउस होल्ड्स हैं इसमें। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स क्या है, मतलब कि जो थोड़े से इतनी पॉवर्टी नहीं है, जो इतने पुअर नहीं है, वो उसमें एक महीने में एक पर्सन को 5 kg का राशन मिलता है। इसके अलावा जो अंत्योदय अन्न योजना, आपको पता है अंत्योदय उन्हें बोलते हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको क्या 35 kg राशन मिलता है पर पर्सन पर मंथ एट द सेम प्राइस। अभी जो नीति आयोग ने क्या रिवाइज किया, जरा हम ये देख लिया। सबसे पहले कवरेज को रिड्यूस किया, जो अभी रूरल पॉपुलेशन की 75% कवरेज थी उसको घटा के 60% कर दिया, और अर्बन पॉपुलेशन की जो 50% कवरेज थी उसे घटा के कितनी कर दिया, 40% कर दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा क्या है, नेशनल जो कवरेज रेशियो है उसको द्वारा रिवाइज किया गया। इससे क्योंकि अब देखो जो 75 से 60 कर दिया है और 50 से 40 किया है, तो ऑफकोर्स अब जो सेंटर जो अनाज दे रही है वो कम लोगों को देगी, तो इससे जो सेंटर अपना कितना पैसा बचा सकती है, नियर अबाउट 47,229 करोड़ रुपीज वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बचा सकती है। इसके अलावा ऑफकोर्स अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कवरेज में कोई चेंज नहीं करते तो इससे हमें कुछ एडिशनल सब्सिडी देनी पड़ती 14,800 करोड़ की, ड्यू टू द इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी। अब इंक्रीज हमने क्या किया है, कुछ सेंट्रल इश्यू प्राइस है इसमें भी इंक्रीज किया, मतलब कि अभी क्या राइस 3 रुपए किलो मिल रहा है, वीट 2 रुपए किलो मिल रहा है, जो मोटे अनाज है वो 1 रुपए किलो मिल रहा है। तो अभी क्या किया, जो CIPs है, जो ये सेंट्रल इश्यू प्राइस है, वो पहले 3 साल के लिए फिक्स हुआ था जब भी ये एक्ट आया था 2013 में। ठीक है, हाउएवर सेंटर ने अभी तक इसमें कोई रिविजन नहीं किया, तो अभी शायद इस प्राइसेस को रिवाइज कर सकते हैं और ऑफकोर्स इन प्राइसेस को बढ़ाया ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज करते हैं, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारी न्यूज है अगेन गाइस इकोनॉमी में कवर होगी अंडर एग्रीकल्चर सेक्शन। तो गाइस आपको पता ही है FPOs बनाने का हमारा एम क्या था, ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा बूस्ट कर सके। ठीक है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि 100% जो फंडिंग है वो सेंटर प्रोवाइड करती है। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर। जिसके ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें 5 सालों में, मतलब कि 2019 से लेकर 2024 तक में 10,000 फार्मर एंड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि फार्मर्स जो एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं और जो भी एग्रीकल्चर के प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमने 10,000 ऑर्गेनाइजेशन बनाने, कब तक, 2024 तक, इन 5 साल में। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, फार्मर्स को, फार्मर्स की जो इकोनॉमी है उनको स्केल अप कर सके, उनकी जो इनकम है उनको डबल कर सके। इसके अलावा हमें क्या करना है, इन FPOs को 5 साल तक हमें सपोर्ट भी करना है, चाहे फाइनेंशियल हो, किस तरह की भी सपोर्ट हो हमें करनी है। अब इसमें कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, फार्मर एंड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। देखो इसमें क्या है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास इतनी फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए, सर्विसेज और मार्केटिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो FPOs है ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये तो आपको पता चल गया किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन इंप्लीमेंट कौन कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम, सेकंड है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और तीसरा है नाबार्ड। इन 3 एजेंसीज के द्वारा इस स्कीम को क्या किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है वो कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करती है, और ताकि प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो ये सब प्रोवाइड करती है कौन, नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी नेशनल लेवल। अब इन जो FPOs के क्या बेनिफिट होंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, क्लस्टर मतलब कि ग्रुप्स में होंगे, इसमें क्या 10 या 15 लोगों का ग्रुप होगा। ठीक है, जहां पे जो एग्रीकल्चर और जो हमारे जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका मार्केटिंग असेस प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट से जोड़ सकते हैं, ताकि आपके माल की अच्छी सप्लाई हो, उसकी आपको कॉस्ट अच्छी मिले। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा, सिंपल बात ये। ठीक है, FPOs आर टू बी डेवलप इन प्रोड्यूस क्लस्टर वेयर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स आर ग्रोन फॉर, हम इसलिए उसको उगाएंगे ताकि हम उनको अच्छी इनकम ले सके एंड इम्प्रूविंग उसका मार्केट असेस इंप्रूव कर सके फोर मेंबर। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो फार्मर के प्रोड्यूस की जो सेलिंग है, मतलब कि जो भी फार्मर ने जो क्रॉप उगाई है, जो फार्म का जो प्रोडक्ट है उसकी सेल को प्रमोट करेंगे फ्रॉम फार्म गेट ऑफ फार्मर्स डे बाय, ताकि हम फार्मर्स की इनकम को क्या कर सके, एनहेंस कर सके। ठीक है, आपको पता ही हमारा एम क्या, 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी सप्लाई चेन मेथड है उसको शॉर्टन करेंगे और जो मार्केटिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे। देखो आपको पता है, देखो एक फार्म गेट से, फार्म लैंड से आपकी मतलब कि थाली तक जाने में जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट लगती है, जो इतना भी जो मेथड यूज होते हैं, उस सप्लाई चेन नेटवर्क को थोड़ा सा कम करके हम क्या करेंगे, मार्केटिंग कॉस्ट घटाएंगे। इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे, ताकि हम क्या कर सके, इनके प्रोडक्ट्स का एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके,
मतलब कि ताकि वो प्रोडक्ट को हम अच्छे से स्टोर करके रखें, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें, ठीक है। तो अगर उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे ताकि हम और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस कर सके रूरल यूथ के लिए। इसके अलावा इंडिया में ऑलरेडी अपना फर्स्ट FPO रजिस्टर्ड एक हो चुका है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इन वाराणसी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी एक जो FPO है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, किसके अंडर, ये एक्ट आपको पता होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर, कहाँ पे, वाराणसी में, ठीक है। अब आप देख सकते हो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक लीगल एंटिटी होती है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह होती है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा फॉर्म की जाती है, जैसे फार्मर्स हो गए। मैंने अभी आपको बताया जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसमें 10 से 15 लोग होते हैं, ठीक है। अब चाहे फार्मर्स भी हो सकते हैं, मिल्कमैन भी हो सकते हैं, फिशरमैन, वीवर्स, रूरल आर्टिजन, क्राफ्टमैन, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। FPO एक तरह का प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे मेनली जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं, मैम फार्मर होते हैं, ठीक है। तो ये फार्मर क्या ही होता है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है PM कुसुम स्कीम को मॉडिफाई किया गया। अगेन गाइस ये जो हमारी न्यूज है सोशल इश्यूज में कवर होगी, क्योंकि कुछ कोई भी स्कीम होते हैं वो मेनली सोसाइटी के लिए होती है। इसकी तो फुल फॉर्म है आप पढ़ लीजिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान। देखो गाइस इस स्कीम के अंडर क्या है, देखो ये फार्मर इनकम सपोर्ट है और डी डिसलिंग स्कीम है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसका एम क्या है। देखो गाइस PM कुसुम स्कीम का एम यही था कि ताकि हम क्या कर सकें, जो फार्मर है वो अपना जो फार्म लैंड है उस पर क्या कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, सिंपल भाषा में ये बताऊं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्यों, क्योंकि हमारा एम क्या है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करें, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, ठीक है, या फिर वो हाइब्रिड एनर्जी हो, ठीक है। इसलिए जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है। ये इसका एम क्या है, ताकि जो फार्मर अपने आपको पता है इरिगेशन के लिए या फिर किसी चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की फार्म को जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर फार्मर अपने फार्म लैंड पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पा रहा है तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, इनकम सेव करेगा अपनी, जो इलेक्ट्रिसिटी से उसकी मतलब की बढ़ने वाली है, तो ये फार्मर के वो इनकम सपोर्ट करेगा और क्या करेगा, डी डिसलिंग स्कीम है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर, जिसका एम क्या है कि हम क्या कर सके 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 30.8 गीगावाट प्लस कर सके, ऐड कर सके, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सोलर पंप्स को इंस्टॉल करेंगे और ग्रिड कनेक्टेड सोलर और अदर तरह के रिन्यूएबल पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करेंगे, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। अभी क्या किया है, इस स्कीम को मॉडिफाई किया, इस मॉडिफिकेशन के अंदर क्या किया है, एक कंपोनेंट सी है उसको मॉडिफाई किया ताकि हम क्या कर सके, एग्रीकल्चर जो फीडर्स हैं जो अभी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उसको हम सोलराइज कर सके, ताकि वो सोलर पावर के थ्रू क्या कर सके, फंक्शन कर सके इंस्टेड ऑफ पंप, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब तक जो फार्मर्स को हम क्या कर चुके हैं, 60% फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर चुके हैं, जो इक्वली शेयर है बिटवीन सेंट्रल स्टेट, मतलब की जो 60% फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर्स को दी है तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस 50-50 शेयर किया किसने, सेंट्रल स्टेट ने, ताकि वो अपने एग्रीकल्चर पंप्स को क्या कर सके, सोलराइज कर सके, ठीक है। इसका मतलब जो 40% है वो फार्मर, मतलब कि देखो गाइस अगर सपोज करो किसी फार्मर को अपने फार्म लैंड पे अगर सोलराइज एग्रीकल्चर पंप इंस्टॉल करने में 100 रुपए लग रहे हैं, तो उसमें जो 60 रुपए है वो उसको गवर्नमेंट ने दिए और 40 रुपए फार्मर ने खुद अपनी जेब से, ठीक है, और इस 60 रुपए में से भी क्या है, 30 रुपए सेंटर ने दिए और 30 रुपए उस पर्टिकुलर स्टेट ने दिए, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। अब क्या करेगा, तो सेंटर है वो क्या करेगा, इसके अलावा जो स्मॉल सोलर पार्क, अगर कोई फार्मर स्मॉल सोलर प्लांट बना रहा है तो उसकी जो 30% कॉस्ट है वो सेंटर अपनी जेब से देगा, ताकि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी फीडर को सप्लाई कर सके, और इसके अलावा जो बची हुई 70% कॉस्ट है वो स्टेट ओन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो प्रोवाइड करेंगी। मतलब कि सिंपल बात क्या है, अगर कोई फार्मर स्मॉल सोलर प्लांट सेटअप कर रहा है तो 30% जो उसकी कॉस्ट होगी वो सेंटर देगा, और बची 70% कॉस्ट जो उस स्टेट का जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है वो लेंगी, ठीक है। इसका इससे क्या होगा, जो फार्मर्स की जो नीड है, ताकि वो हर एक एग्जिस्टिंग पंप को रिप्लेस कर सके किससे, सोलर पंप से, वो हमारी पूरी होगी, ठीक है। इसके अलावा कौन से जो मेन टाइप है सोलर पंपिंग सिस्टम जो इसमें इंक्लूड है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रोटेटिंग है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को डिजाइन किया जाता है फॉर फिक्स्ड हेड, तो क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या करते हैं, मेनली पानी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, जिसमें जो पंपिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, साइक्लिक होगी, और किसके थ्रू होगी, पिस्टन, स्क्रूज और गियर्स, और अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हुआ तो उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा सबमर्सिबल सरफेस पंप, सबमर्सिबल पंप आपको पता ही होगा आपके घर में भी यूज होते हैं, ये डिपेंड करता है वो अंडर वाटर है अबव वाटर है, उसके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। तो तीन कंपोनेंट है स्कीम में। कंपोनेंट ए देखो अभी हमने क्या करा है कि हमने जो मॉडिफाई किया है वो कंपोनेंट सी में किया है, ठीक है। तो कंपोनेंट ए में क्या है कि हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेन ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट को इंस्टॉल करेंगे,
कंपोनेंट बी में क्या है, जो स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर प्लांट्स को इंस्टॉल करेंगे, और कंपोनेंट सी में क्या है, जितने भी ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर फार्म्स हैं उनको सोलराइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, इंक्लूजन ऑफ फ्यूल अंडर द जीएसटी कुड प्रूव बेनिफिशियल। देखो गाइस, अभी आपको पता है जीएसटी में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, जो अल्कोहल है, वो जीएसटी के अंडर नहीं आता। ठीक है, अभी बात की जा रही थी कि हम क्या करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम जीएसटी के अंदर लेके आते हैं। अभी आपने देखा होगा जो पेट्रोल का प्राइस है, जो पेट्रोल डीजल के प्राइस है, हर स्टेट में अलग अलग वेरी करते हैं। वो क्यों करते हैं, ड्यू टू द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस जो फ्यूल्स पे लगते हैं। अगर हम वन टैक्स के अंदर लेके आएंगे तो पूरी जो हर एक इंडिया में जो होगा वो यूनिफॉर्म प्राइस होगा किसका, फ्यूल का। ठीक है, तो ये तो न्यूज है हमारी किसमें कवर होगी, अगेन ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी में कवर होगी। रिसेंटली क्या है, आपको पता है अभी पिछले एक दो महीने में फ्यूल के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। वो क्यों हुआ है, इट इज वॉज मेजरली ड्यू टू द आउटपुट कट्स बाय ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, हाई टैक्सेस। एक तो हाई टैक्स, देखो आपको पता है, देखो गवर्नमेंट किस तरह से अपना रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, आप सबको पता है कोरोना के वक्त गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा एक्सपेंस किया कि एक बार जो इंडिया की जीडीपी थी 24% नेगेटिव में चल गई थी, फिर 7% नेगेटिव चली गई थी, लेकिन अब फाइनली जो इंडिया की जीडीपी है वो प्लस में चल गए 0.4%, ये आपको पता होगा। ठीक है, अभी क्या है, इसलिए क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट की हम जनता से रेवेन्यू इकट्ठा करेगी ना, तो एक तो हाई टैक्सेस लगी रहे हैं, उसके अलावा आपको पता है जब कोरोना आया था तो पहली बार क्या था, ऑयल के जो प्राइस थे वो नेगेटिव में चले गए थे, तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है वो भी लॉस में गए थे, अब उन्हें भी अपना लॉस कंपेंसेट करना है। तो यही बात है, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे उन्होंने अपने आउटपुट को कट कर दिया था। ठीक है, इसकी वजह से क्या, जो फ्यूल के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब किस तरह से इंडिया में जो फ्यूल के प्राइसेस है वो डिटरमिन किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो हमारे फ्यूल प्राइसेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब क्यों हमारे जो फ्यूल प्राइसेस है वो बढ़ते रहते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले क्या, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस। देखो क्योंकि हमने देखा था इंटरनेशनली जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा कम हो गया था, ठीक है, और उसके बाद अब एकदम से डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो बढ़ाएंगे, और कुछ कंट्रीज ने क्या करा, आउटपुट कट कर दिए। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, रिफाइनरी की कॉस्ट भी लगती है, फ्रीट कॉस्ट मतलब कि उसकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी लगती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है आपको पता है, फिर स्टेट कुछ अपना ऐड करती है टैक्स वो लगता है, फिर मार्केटिंग जो कंपनी है वो कुछ अपना मार्जिन रखते हैं, जैसे IOCL हो गया, BPCL, ONGC जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो भी अपना कुछ मार्जिन रखते हैं, इसके अलावा कुछ रिटेल फ्यूल आउटलेट्स। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फ्यूल के पैसों क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखते हैं इंडिया में किस तरह से फ्यूल के प्राइस को डिटरमाइन करता है। सबसे पहले जो पेट्रोल डीजल के प्राइस होते हैं वो एक्चुअल कॉस्ट जो लगती है PSUs रिफाइनरी पे उनसे डिटरमाइन, मतलब जैसे BPCL हो गया, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या FPCL हो गया, ठीक है, या फिर IOCL हो गया, ये जो मतलब कि जो पेट्रोल और डीजल बना रहे हैं ये इनकी, चाहे इन्होंने 40 रुपए में बनाया हो, इनकी कॉस्ट पे बिल्कुल भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये किस फॉर्मूला से हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, ट्रेड पैरिटी प्राइस पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अलावा आपको पता ही, जो हमारा 80% जो पेट्रोल और डीजल है वो इंडिया में इंपोर्टेड होता है, और सिर्फ 20% ऐसा होता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस है इंडिया में वो बेसिकली डिटरमाइन करते हैं इंटरनेशनल मार्केट, मतलब कि इंटरनेशनल किस तरह से प्राइस चल रहा है उसी पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारे इंडिया में प्राइस क्या होने वाला है। ठीक है, और ना ही क्रूड ऑयल, मतलब कि एक्चुअल में वो कच्चे तेल का क्या प्राइस है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। देखो आपको पता है क्रूड ऑयल से क्या डिफरेंट जो तरह के जो तेल होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि उसमें कम रिफाइनिंग की जरूरत होती है, पेट्रोल थोड़ा इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा रिफाइनिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस क्रूड ऑयल के थ्रू क्या है डिफरेंट हम 15 तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इवन जो किरोसिन है वो भी क्रूड ऑयल के थ्रू आता है, इवन जो आपका तार है जो मतलब की सड़कों पर सड़क बनता है वो सब किससे आता है, क्रूड ऑयल के थ्रू आता है। ठीक है, तो जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट होता है 80% जो हमारा पेट्रोल और डीजल है वो इंपोर्ट होता है, तो इससे जो हमारी जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है वो सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल मार्केट में अभी फ्यूल के क्या प्राइस चल रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब जो ट्रेड पैरिटी प्राइस होते हैं वो डॉलर्स में होती है, फिर उनको आप रुपीस में कन्वर्ट होते हैं, टू दिस अदर कोर्स और मार्जिन जो होते हैं ऑयल कंपनी से डीलर, ये सब भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें हर एक चीज देखना पड़ता है। इसके अलावा क्या है, अभी तक इसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के जो एम्बिट से अलग रखा गया था, इसकी वजह से जो सेंटर था वो इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाता था, और इसके अलावा जो स्टेट है वो अपने सेल्स टैक्स लगा देती थी या फिर वैल्यू एडेड टैक्स लगा देती थी। इसलिए अभी बात की जा रही है कि हमें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के स्फेयर में लाना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके उस पर मैक्सिमम 28% टैक्स लगा सके, ताकि जो प्राइसेस हैं वो क्या घट सके। मतलब कि अभी देखो कितने टैक्स लग रहे हैं, मतलब कि इंपोर्ट ड्यूटी अलग लग रही है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग लग रहा है, स्टेट अपने अपने अलग टैक्स लगा रही है, मार्केटिंग कंपनीज अलग मार्जिन रख रही है, तो अलग अलग बहुत इफेक्ट रहे। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि अगर हम इसको जीएसटी के स्फेयर में ला देंगे
तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो टैक्स रेट है वो एक 28% तक कैप हो जाएगा, ठीक है, ताकि जो प्राइजेस है वो गिर जाए, ठीक है। अभी क्या है, हाई फ्यूल प्राइसेस की वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ऑफकोर्स जो आपके पर्सनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ेंगी, उसकी वजह से आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स एक बात बताओ, एक चीज आपके पास तो ट्रांसपोर्ट हो रही है, अब वो आपको ज्यादा पैसे लगेंगे उसको ट्रांसपोर्ट करने में, तो अल्टीमेटली जो गुड्स एंड सर्विसेज आपको ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनकी भी अल्टीमेटली जो कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज। मास्टर ऑफ द रोस्टर, देखो ये मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है, ये पहली बात आपको पता होना चाहिए एक्चुअली किससे रिलेटेड है। ये एक्सक्लूसिव पावर है किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जो क्या करता है कुछ बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है टू हियर केसेस। इससे पहले क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उन्होंने डिक्लेयर किया था कि सिर्फ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसी के पास पावर है कि वो ऐसा बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है और कुछ केसेस उनको एलोकेट कर सकता है। मतलब किसमें क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपनी इस पावर का यूज करके क्या कर सकता है, एक बेंच बनाएगा जिसको कुछ केसेस एलोकेट कर देगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि कोई भी जो जज है अपने आप कोई भी मैटर को अपने आप नहीं ले सकता अनलेस वो मैटर उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एलोकेट ना किया हो, इसलिए उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ द रोस्टर, ठीक है। क्या क्या केसेस हैं जो मास्टर ऑफ रोस्टर को अभी तक पकड़ाए गए हैं, मतलब ये कौन कौन से केसेस हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा बेंच स्पेशली बनाया गया ताकि उन्हें कुछ स्पेशल केस एलोकेट किया जाए। एक 2018 में बनाया था अशोक पांडे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस, और फिर एक 2018 में एक और बनाया था शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो मास्टर ऑफ रोस्टर किसकी पावर है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर है, ठीक है, यही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी क्या है, रिसेंटली जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्होंने अपना फाउंडेशन डे क्या किया, सेलिब्रेट किया। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ये स्टेचुटरी बॉडी है किसके अंडर, देखो मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। इसका एम क्या है, ताकि इजिली पैसेंजर्स और गुड्स की मूवमेंट हो सके, टू डेवलप सैनिटाइज एंड मैनेज फैसिलिटीज फॉर क्रॉस बॉर्डर, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे इजिली पैसेंजर्स और गुड्स की मूवमेंट हो सके, एट डेजिग्नेटेड पॉइंट्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इसका मेन फंक्शन क्या है, जो भी इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट है वहां की सिक्योरिटी को चेक करना, इसके अलावा रोड्स टर्मिनल्स और कुछ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना कहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे, ताकि इजिली क्या हो सके ट्रांसपोर्ट हो सके। इसके अलावा प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, स्पेस प्रोवाइड करना, ताकि इजिली इमिग्रेशन हो सके लोगों का, कस्टम सिक्योरिटी टैक्सेशन अथॉरिटीज, एनिमल एंड प्लांट क्वारंटाइन, वेयर हाउसेस, कार्गो, ये सब इसका काम है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आपको पता ही है अभी क्या है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन कोलेबोरेशन विद अदर कंजर्वेशन ग्रुप, ठीक है। अभी फाइंडिंग देखते हैं, देखो नियरली क्या क्या है, जो फ्रेश वाटर जिसमें से अ थर्ड ऑफ ऑल द फ्रेश वाटर विच आर थ्रेटन्ड विद द एक्सटिंक्शन, एक गाय, ठीक है, मतलब कि जो भी हमारी फ्रेश वाटर में डाल पाने वाली फिश है उसमें जो एक थर्ड फिश है वो उनको मतलब दे आर थ्रेटन्ड, मतलब कि वो एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो माइग्रेटरी फ्रेश वाटर फिश है वो अभी 76% हो चुकी है, और जो मेगा फिश है वो 94% हो चुकी है सिंस 1960, मतलब कि जो फ्रेश वाटर फिशेस थी जो माइग्रेट करती थी उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो चुकी है 76% हो चुकी है, जबकि जो बड़ी बड़ी फिशेस थी उनकी जो पॉपुलेशन है वो घट के कितनी हो चुकी है 94% हो चुकी है, अगर हम 1970 से कंपेयर करते हैं, मतलब अगर 1970 में 100 फिशेस क्या करती थी माइग्रेट करती थी तो अब सिर्फ 76 रह गई है, और मेगा फिशेज अगर 100 करती थी तो वो 94 रह चुकी है। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर फिशेज है वो दे आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन टू नियर अबाउट 200 मिलियन पीपल। इसके अलावा हमारा जो 2.5-6% जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है वो फिशरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। इसके अलावा क्या हैबिटेट क्या थ्रेट है हमारे फिशरी सेक्टर को, ये आपको पता ही होगा, हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है, जो पुअरली प्लान डैम्स हो रहे हैं, वेस्ट वाटर काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है, वेटलैंड्स हमारे के और ड्रेन हो रहे हैं, ओवर फिशिंग की जा रही है, पोल्यूशन बड़ी मात्रा है, इन्वेजिव स्पीसीज आ रही है जो वहाँ की जो एंडेमिक स्पीसीज है उनको हार्म कर रही है, वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है, आपको पता है कितना ज्यादा इलीगल किलिंग होती है किनकी, एनिमल्स की या स्पीसीज की, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दे आर द मेन थ्रेट टू अवर फिशिंग सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है सन जॉर्जेस ऑर्थोडॉक्स चर्च एट चेपाड़ कोडला, अभी देखते हैं ये न्यूज में क्यों था, ये माना जा रहा है इस चर्च को 950 AD में बनाया गया था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये जो चर्च था वो 1050 AD में बनाया गया था, ठीक है। इस चर्च में मतलब कि रिच रिलीजियस मुरल आर्ट आपको पता ही है, इसमें देखा जा रहा है इस चर्च में मुरल आर्ट काफी अच्छे से बनाई गई है जो बिलोंग करती है प्री रेनेसा पीरियड से, और वो जो ब्लेंड है जो मुरल जो पेंटिंग है वो किसका ब्लेंड है, केरला मुरल आर्ट का और पर्शियन आर्ट का, ठीक है। इट इज सेट टू बी डिक्लेयर्ड एज अ सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बाय, अभी क्या करना है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो इस चर्च को क्या करने जा रहा है, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस ये डिक्लेयर करने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट है आर्कटिका एम. देखो आर्कटिका एम क्या है, ये रशिया की पहली आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट है. मतलब कि ये क्या करेगा, आर्कटिक रीजन में किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या क्या एनवायरमेंट है उसको मॉनिटर करेगा. आपको पता है जो आर्कटिक रीजन है वो बहुत तेजी से क्या कर रहा है, गर्म हो रहा है. मतलब कि ट्वाइस रेट से क्या कर रहा है, वार्म हो रहा है पिछले 30 सालों से, ओवर द लास्ट 3 डिकेड. इसके अलावा आर्कटिक रीजन में माना जाता है कि बहुत ज्यादा ओवर और गैस रिजर्व है, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होंगी. जो मतलब कि कंट्रीज जो मेनली क्या करें जैसे यूएसए, रशिया, कनाडा, वो सब अपनी नजर बैठा के रखी हुई है कि अगर इसका ऑयल या गैस रिजर्व है हमें जल्दी से पता चले और हम उनको एक्सप्लोइट करें. लास्ट में आज की प्लेसेस इन न्यूज़, कौन कौन से प्लेसेस जो भी न्यूज़ है, एक तो पोम्पई इटली. अभी के यहाँ पे एक लार्ज सेरेमोनियल चैरियट को डिस्कवर किया गया. ये सिटी कम्प्लीटली बरी हो गई थी वोल्केनिक ऐश के द्वारा जब माउंट म्यूसिस में वोल्केनिक इरप्शन हुआ था 2000 साल पहले. ठीक है, सबको पता होना चाहिए कहाँ पे इटली में और अभी क्या है, यहाँ पे चैरियट को डिस्कवर किया गया. मेडागास्कर, अभी आपको पता है को मेडागास्कर क्या है, अभी इंडिया ने वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया है टू ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, ताकि जो वहाँ पे ड्राउट की वजह से जो मतलब क्राइसिस हो रहा है उसको हम क्या कर सके, एड्रेस कर सके. नेक्स्ट है अंगुल ओडिशा, यहाँ पे हॉटेस्ट टेम्परेचर रिलीज रिकॉर्ड किया गया है 840 डिग्री सेल्सियस ऑन 28 फरवरी 2021. मतलब कि पिछले 10 सालों में ओडिशा में मतलब कि ये वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस, कब, 28 फरवरी को. ठीक है, इसके अलावा कुछ फायर इंसिडेंट्स भी सेवरल पार्ट्स में देखे गए हैं. सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, और फॉरेस्ट में कुछ अंगुल के जो एक कोज बन सकते हैं कि इतना ज्यादा जो टेम्परेचर यहाँ पे आया, इट कैन बी द मेजर कोज ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ओवर अंगुल डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना. तब तक बाय बाय, टाटा.